गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रवि शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ आरकेबी। सो आज सुबह में लेट उठा 10 बजे अराउंड और अभी निकल पड़े हैं और ये नहीं पता कि कहां जा रहे हैं। सो आगे जो जो मिलेगा वो आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग का ना दोस्तों सडनली प्लान बना है कि इंटेवी रोड जाना है। वहाँ पर साईं टेम्पल है और गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन चल रहा है वहाँ पर। तो अभी हमने प्लान किया है कि अब वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है और दर्शन भी हो जाएंगे वहाँ पे। जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था तिरुपति टेम्पल भी है वहाँ पे, तो जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। क्या कैसा, संडे का दिन भी है तो फ्री है, कुछ ऐसा है नहीं। सो चलते हैं और मिलते हैं और रास्ते में दिखाते चलता हूँ आपको। आज रोड भी फ्री है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ऑलमोस्ट हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। और कंपाला सिटी से इंटेवी पड़ता है अराउंड 30 किलोमीटर्स, 1-2 किलोमीटर का आगे पीछे, 3 किलोमीटर का आगे पीछे हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हम बहुत जल्दी ही पहुँच जाएंगे और इंजॉय करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एक्चुअल में गुरु पूर्णिमा पहले थी लेकिन यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन संडे के दिन होता है, क्योंकि क्या है बाकी लोगों की भी छुट्टियाँ होती हैं। सो चलते हैं, इंजॉय करते हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस बनाया हुआ है जहाँ पे दोनों साइड में चेयर रखी हुई हैं, तो अब जैसे दर्शन करने के बाद में लोग आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो व्यवस्थित किया हुआ है, कोई ऐसा भागम भाग वाला काम नहीं है कि रेस्ट करने की जगह नहीं है। और ये सामने से ऐसा व्यू है, ये साइड में आपके लेफ्ट साइड में पार्किंग का एरिया है, आप यहाँ पर अपनी कार पार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तुलसी माँ का पेड़ लगाया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे भी तुलसी का पेड़ देख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और ये सीधा अंदर जाएगा रास्ता, वहाँ पे साईं बाबा का विराजमान किया हुआ है। सो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अभी यहाँ पे आरती हो रही है साईं बाबा की और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है तो सबको एक एक करके आरती देते हैं करने के लिए। और मैंने यहाँ पे आरती हो रही है लेकिन मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि क्या है कि कॉपीराइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने वॉइस म्यूट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रस होती है, लोग आते हैं यहाँ पर और सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडियंस आते हैं और फुल इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं रिस्ट्रिक्शन है। अभी ये साईं बाबा की पालकी जा रही है, जो कि ये मंदिर जो बना हुआ है उनके चारों तरफ मतलब परिक्रमा करते हैं, और ये पालकी को 3 राउंड लगाएंगे और इसके बाद में फिर 3 राउंड कम्प्लीट होने के बाद में फिर साईं बाबा को अंदर लेके जाएंगे। तो अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता है और मज़ा आता है। और यहाँ पे पूरा विधिवत किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। ये यहाँ पे आपका हवन कुंड है जहाँ पे हवन वगैरह होता है, और एक सेपरेट जगह मंदिर के बाजू में ही बनाई हुई है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, अलग अलग फ़ोटो रखी हुई हैं, और यहीं पर आरती भी होती है। सो एकदम बढ़िया है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ चलते हैं, दूसरी जगह भी ये बनाया हुआ है और एक स्पेसिफिक यहाँ पे छोटे से साईं बाबा बनाए हुए हैं और उनको सोया हुआ दिखाया हुआ है, ऐसा मूर्ति बनाई हुई है। सो ये थोड़ा सा कैसा है कि और भी अच्छा दिखता है, और जितना मेंटेन किया है यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने और अपना ट्रस्टी ने, तो बहुत अच्छा किया हुआ है। अभी ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे अपना मंदिर में जैसे भंडारा वगैरह होता है, तो यहाँ पे ये भंडारे का जो खाना वगैरह बनता है वो यहीं पे बनता है। अभी चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ, इसी मंदिर के जस्ट क्लोज में बनाया हुआ है, मंदिर के अंदर ही ये एक छोटा सा किड्स का बच्चों के लिए एक खेलने की थोड़ी बहुत जैसे झूले वगैरह हैं, बाकी की चीज़ें रखी हुई हैं। सो बनाया हुआ है ताकि लोग आए अगर फैमिली के साथ में, तो बच्चों का भी इंटरटेन हो सके,
वो बोर ना हो, तो अच्छा बनाया, मतलब कि काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है जिससे कि लोग आए और फुल एंजॉय करें। और ये मंदिर का छत है, मैं बैक साइड से आया हूँ अभी। ये जो देखो राय, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जैसे खाना पीना होएगा भंडारा, तो यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। अभी जब भंडारा होएगा तो मैं आपको पास में ले जाके दिखाऊंगा वहाँ का पूरा। और ये मंदिर का छत है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो ये हाईवे है, मतलब कंपाला से इंटेवी रोड जो एयरपोर्ट है वहाँ का ये हाईवे है, तो आप इसी रोड से सीधे एयरपोर्ट जा सकते हैं। और ये जो देखिए रोड के उस पार जो व्यू है, यहाँ के व्यू की, ग्रीनरी की, और मतलब कि खूबसूरती की तो बात ही जितना कम करें, जितना ज़्यादा करें उतना कम है, इतनी प्यारी चीज़ें हैं। और ये आपका काफ़ी सारा, काफ़ी बड़ा एरिया है मंदिर का, तो ये छत के ऊपर बनाया हुआ है। और ये अच्छा, ये जो रोड के जस्ट उस साइड में जाएंगे, मैं लास्ट एक वीडियो बनाया था वो तिरुपति टेम्पल का है। अभी ये देखिए यहाँ पे खाने की लाइन लग चुकी है, सब लोग अपनी अपनी थाली लेंगे, खाना खाएंगे, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है, और यहाँ पे आपको भरपेट खाना मिलेगा, एक भंडारे की तरह है। सो खाना खाइए, और जितना मतलब अच्छी, अच्छा खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।